नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल्स के अंदर ए प्लस ग्रेड लानी है। और ए प्लस ग्रेड लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है और उसी तपस्या करने के क्रम में आज ये आपके लिए टेस्ट है। देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर है पूरा हो चुका आपका, उस पर पहला टेस्ट है। छोटा है, मात्र 4 क्वेश्चन है, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको कैपिटल ए बी सी या डी आंसर देना है। तो पहले आप इस पेपर को एक बार पॉज करके नोट कर लें। आशा है आप नोट कर रहे होंगे, इसको आप पॉज करके रोक के नोट कर सकते हैं आराम से। और अब मैं पूरा पेपर बोल रहा हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जड़त्व अवगुण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, 4 ऑप्शन है। पहला घूर्णन यानी कि रोटेशन, दूसरा क्षेत्रफल का प्रथम गुण फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तीसरा यानी कि सी क्षेत्रफल का द्वितीय गुण यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और डी डी का मतलब चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन। इसमें लिखा ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है ऐसा कहा गया। अब ये जो 4 में से कौन सा सही है वो आप भेजें। आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे है ना उसी में आंसर भेजना है, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा सही आएगा 4 क्वेश्चन का वो विनर होगा। क्वेश्चन 2, परिभ्रमण त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन इज, आप जानते हैं इसको स्मॉल के या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन अंडर रूट आई अपॉन वाई, दूसरा ऑप्शन अंडर रूट आई, देखिए इसमें तो रूट पूरे में आई अपॉन वाई का रूट है, इसमें रूट आई का है और अपॉन ए है, सी में आई अपॉन ए करने के बाद में उसका रूट लिया गया यानी रूट आई अपॉन ए, और डी रूट ए अपॉन आई यानी ए में आई का भाग लगा के रूट लिया गया। तो आपको 4 में से सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ जो आई है वाई है ए है ये सामान्य संकेतन है, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो y का मतलब होता है इसके अंदर वो आप जानते हैं ना n से दूरी, और a का मतलब हो गया जिसके अपन को निकालनी है परिभ्रमण त्रिज्या उसका एरिया। अब आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि परिभ्रमण त्रिज्या कैसे, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, ए होगा बी होगा सी होगा या डी हो गया डी होगा। तीसरा, किसी परिच्छेद का आकृति मापांक होता है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सेक्शन इज, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, पहले ए है आई अपॉन वाई मैक्स, सॉरी पहला है आई अपॉन y मिनिमम एम आई एन मिनिमम, दूसरा है आई अपॉन वाई मैक्स, तीसरा है अंडर रूट आई अपॉन वाई मिनिमम, और चौथा है अंडर रूट आई अपॉन वाई मैक्स। आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई मैक्स क्या होता है अधिकतम दूरी एन ए से, वाई मिनिमम एन ए से न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन 4, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया करूंगा अक्सर ताकि आपके यूनिट का जो आपस में कन्वर्जन होता है वो आसानी से समझ आ जाए। 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 क्यूबिक मीटर या कह सकते 1 घन मीटर की वैल्यू होती है, 4 ऑप्शन दिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 mm क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 mm क्यूब होता है। दूसरा कहता है 10^6 cm³ होता है यानी 1 मीटर क्यूब में 10^6 cm³। तीसरा यानी कि सी कहता है 1 मीटर क्यूब में 10^9
मिलीमीटर क्यूब होते हैं, 10^9 mm³। और डी कहता है कि बी और सी दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको मैंने चार क्वेश्चन दिए, इन चारों के एक एक ऑप्शन ही सही होंगे। आप में से कौन जितना जल्दी करता है सही, उसका नाम डिक्लेयर किया जाएगा। थैंक यू।